हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और आज की वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ओके, तो उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूं कि हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। तो ये है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफ को देख कर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कॉसएक्स का ग्राफ है, ये कॉसएक्स का फंक्शन है जो कि स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से और इन्फिनिटी की तरफ। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डाउट इसीलिए है क्योंकि इसमें आधा एरिया बिलो द एक्सिस है और आधा एरिया अबव द एक्सिस है और ये जो प्रोसेस है ये इन्फिनिटी तक जा रही है और इसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अपना पेज और पेन की तरफ चलते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो है ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ पर बी इन्फिनिटी है। अब ये देखना है कि क्या ये फर्स्ट काइंड का है या नहीं। ओके, तो हमें पता है कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है लेकिन इसकी जो लिमिट है बी वो है इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था हमारे पास कि हम लिमिट लगा दें। सो फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी x dx को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट जहाँ पे लिमिट अनबाउंडेड है उसको हम टेंड करते हैं इन्फिनिटी की तरफ फ्रॉम ज़ीरो टू t cos x dx। ओके, तो इसका मतलब ये कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इसको सॉल्व करेंगे cos x का इंटीग्रेशन sin x। सो sin x लिमिट कहाँ से, ज़ीरो से t विच इज़ इक्वल्स टू, या फिर मैं यहीं पे लिख दूँ लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो साइन टी माइनस साइन ज़ीरो। ओके, अब आई लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन टी और साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो हमारे पास सिर्फ इतना आ गया लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन टी यानी कि साइन इन्फिनिटी और ये क्वेश्चन है। यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि साइन इन्फिनिटी क्या। ओके, तो हमें पता है साइन की जो रेंज होती है वो होती है माइनस वन से लेकर वन और डोमेन होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, और इतना बता दूं कि इन्फिनिटी जो है कोई नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ नंबर, ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़े नंबर का लेकिन ये नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो साइन इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट आती है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या कंसिडर करें कि वो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। इसको समझने के लिए आपको पहले लिमिट समझ में आनी चाहिए कि लिमिट का डू नॉट एग्जिस्ट यानी लिमिट का एग्जिस्ट ना होना किसके अंडर आएगा, कन्वर्जेंस के अंदर या फिर डाइवर्जेंस के अंदर। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो हम कह रहे थे कि जब लिमिट समथिंग टेंड्स टू इन्फिनिटी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ज़ीरो से टी एफ डी एक्स, अगर इसका आंसर फाइनाइट आता है तो हम कहते हैं कि वो जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंस है, अगर इन्फाइनाइट आता है तो वो डाइवर्जेंस है। लेकिन अब हमारे पास केस आ गया है डू नॉट एग्जिस्ट का, तो वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज। तो बहुत सिंपल सी बात है, फाइनाइट का आंसर मतलब कि कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, नंबर एग्जिस्ट करता है क्योंकि जब कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तभी तो उसका आंसर फाइनाइट आता है। ओके, और जब कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं कि लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट।
तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट वाला का केस है वो डाइवर्जेंस के अंदर आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कहते हो कि वो जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कोई इंटीग्रल कन्वर्ज तभी करेगा जब उसका फाइनाइट आंसर आएगा, फाइनाइट आंसर तभी आएगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो डाइवर्जेंस के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो जब किसी इंटीग्रल की लिमिट एग्जिस्ट ना करें, आप जब इस तरह से सॉल्व करते हो और उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं कि वो डाइवर्ज करता है। इसीलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स डाइवर्जेस, बहुत सिंपल एग्जांपल लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।